जनपद संभल के थाना हयात नगर में एक प्राइवेट बस ने सड़क पार कर रही एक मासूम को टक्कर मार दी, जिस कारण मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने हाईवे को जाम कर दिया और सड़क पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। सूचना मिलते ही सदर सीओ भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। हयात नगर थाना क्षेत्र में सड़क पार कर रही एक मासूम को बस ने कुचल दिया, जिससे मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक व बस में सवार सभी लोग भाग गए। मौके पर पहुंचे लोग घटना को देख आक्रोशित हो गए। सभी ने कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया। सूचना पाकर पहुंचे सीओ ने आक्रोशित लोगों को समझाकर जाम खुलवाकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली जानकारी के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। हालात काबू नहीं होने पर सीओ ने एसडीएम संभल को फोन और वायरलेस पर सूचना दी, मगर योगी सरकार के अनुसार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक संभल के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझ गए। हम ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीओ के बार बार वायरलेस पर सूचना करने के बाद भी एसडीएम महोदय घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। सीओ साहब स्पष्ट रूप से विजुअल में कह रहे हैं कि एसडीएम साहब तहसीलदार साहब का फोन नहीं लग रहा, किसी को यहाँ भेज दो। अब देखा जा सकता है कि आला अधिकारियों का रात होते ही फोन बंद हो जाता है। तो बस से सड़क पार करते हुए उसकी एक्सीडेंट से मौत हो गई है। उनका यहाँ से सब उठा दिया गया है और उनके परिवार के द्वारा लेके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है ड्राइवर की? ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है क्या? नहीं, अभी कहाँ बस की गिरफ्तारी होगी। बस मिल चुकी है, चालक भाग गया है। फिलहाल मासूम बच्चे के शव को अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों का रो रखकर बुरा हाल है। घटना के बाद बस चालक व बस छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बस को अपने कब्जे में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। संभल से मोहम्मद सद्दाक की।